परिवार की रसोई आज मैंने बनाए कबाब और पराठे और ये मोमोज की चटनी प्याज। ये कबाब मैंने जो है मूंग की दाल, सोयाबीन और चुकंदर और लहसुन मिर्चा अदरक मिक्सी में पीस लिया, थोड़ा इसमें गरम मसाला डाला, नमक स्वाद अनुसार और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के तवे में धीमी आंच में सेलो फ्राई कर ली। फिर इसके बाद मैंने मैदा गूंथा, मैदे में थोड़ा सा नमक डालकर आटा सान के रख दिया और थोड़ी देर बाद इसके पतले पतले पराठे और ये मोमोज की चटनी जो मैंने पहले आपको बता रखी कि इसमें टमाटर और लहसुन और थोड़ी सी अदरक और वाइट विनेगर डाल के और लाल मिर्च डाल के और नमक डाल के मैंने इसे तैयार किया था। ये देखिए शिव परिवार की रसोई में कबाब पराठा बनकर तैयार। आइए सभी लोग